हेलो दोस्तों, मैं हूं राहुल गुप्ता फ्रॉम स्टार्ट्स विद वाई। और आज हम डिस्कस करेंगे कि आखिर कुछ लोगों को गणित इतना कठिन क्यों लगता है। कुछ लोगों को लगता है कि जो मैथ है वो बहुत ही डिफिकल्ट है और कुछ लोग आसानी से कर लेती हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? ओके, जानेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिए मेरे साथ अंत तक। अब इस विषय को समझने के लिए हमको थोड़ा थोड़ा एक चीज समझना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं एप्टीट्यूड। करेक्ट, एप्टीट्यूड ये वर्ड हमने कईयों बार सुना होगा। करेक्ट, कि क्योंकि काफी लोग हैं वो एप्टीट्यूड टेस्ट देती हैं। ओके, लेकिन कईयों बार हमको ये समझ में नहीं आता कि आखिर एप्टीट्यूड होता क्या है। ओके, अब अगर हम एप्टीट्यूड के बारे में बात करें, सिंपल लैंग्वेज में अगर इसका मतलब देखें तो इसका मतलब है प्रतिभा। ओके, इसका मतलब है कि जब भी मनुष्य, कोई भी मनुष्य पैदा होता है तो वो अपने साथ एक प्रतिभा लेके ही पैदा होता है। ओके, अब वो प्रतिभा किस फील्ड में है, किस में है, ये उसको तलाशना पड़ता है। ओके, ये कहीं पर ठप्पा नहीं लगा हुआ है कि भाई तुम्हारे अंदर ये प्रतिभा है। करेक्ट, तो ये वो समय के साथ कुछ लोग होते हैं वो अपनी प्रतिभा को समझ ही नहीं पाते, वो मर जाती है। करेक्ट, और कुछ लोग होते हैं जो अपनी प्रतिभा को पहचान लेते हैं, हो सकता है बचपन से पहचान लें या फिर समय के साथ उनको समझ में आ जाए। अब प्रतिभा जब अगर तुमको पता चल गया तो फिर उसको क्या जरूरत होता है, प्रशिक्षण का। ओके, प्रशिक्षण, तो जब तुम्हारे पास, तुमको पता चल गया कि क्या प्रतिभा है और तुम उसमें प्रशिक्षण देते हो, तब तुम्हारा एक एप्टीट्यूड अच्छे तरीके से बनता है। करें, तब तुम अपने फील्ड में उस लेवल पर एक कामयाबी हासिल करते हो। तो मैथ, मैथ के लिए क्या है कि हमारे दिमाग में, देखो हमारा दिमाग है वो कैसे न्यूरॉन से काम करता है। करें, ये हमारे दिमाग में न्यूरॉन होते हैं, उसके थ्रू हमारा दिमाग का संचार होता है, जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है। अब हमारे दिमाग में, ओके, जिन लोगों, जो लोग लॉजिकल होती हैं, जिन लोगों का लॉजिक अच्छे से काम करता है, ओके, वो लोग जनरली ये पाया गया है कि वो लोग मैथ उनके लिए बहुत ही ईजी हो जाता है। ओके, और जिन लोगों का लॉजिक, ओके, लॉजिक बेसिकली लेफ्ट ब्रेन, ओके, तो जिनका लेफ्ट ब्रेन अच्छे से काम कर रहा है, ओके, तो वो लोग लॉजिकली ज्यादा होती हैं। जिनका राइट ब्रेन अच्छे से काम कर रहा है वो थोड़े क्रिएटिव आर्टिस्टिक लोग होती हैं। अब जनरली होता क्या है कि कुछ लोगों को मैथ क्यों डिफिकल्ट लगता है, ओके, उसके बेसिकली दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये हो सकता है कि या तो उनको एक अच्छा, ओके, हो सकता है कि उनको एक अच्छा एनवायरमेंट नहीं मिला है। करेक्ट, एनवायरमेंट नहीं मिला है। या दूसरा हो सकता है कि उनके जो न्यूरॉन्स का जो पाथ है, ओके, उनका जो जो दिमाग का जो सिस्टम चल रहा है वो लेफ्ट ब्रेन की बजाय राइट ब्रेन ज्यादा चलता है। करेक्ट, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि या तो राइट ब्रेन ज्यादा चल रहा है लेफ्ट ब्रेन की कंपैरिजन में, या फिर अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिला। ओके, अब हम कैसे पता करें कि आखिर कौन सा हमारे लिए चल रहा है? तो पहला वाला तो बहुत ही सिंपल है। करेक्ट, तुम क्या करो, एक अच्छा एनवायरनमेंट किसी भी लाइफ टाइम में बना लो। ओके, कैसे बनाओगे अच्छा लाइफ, अच्छा एनवायरनमेंट? कोई एक बढ़िया सा टीचर ढूंढो। करेक्ट, और कोई भी एक टॉपिक चूज कर लो और टॉपिक से बोलो उसको, टीचर को, कि भाई समझाओ हमको। और टीचर ने बिल्कुल अच्छे तरीके से तुमको समझाया, अच्छे टीचर ने, और तुम बाकायदा मतलब ऑर्डर में जो भी उसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं बुक में, तुम सॉल्व करते जा रहे हो, करते जा रहे हो। करेक्ट, तो इसका मतलब कि तुम्हारे तुम्हारे ब्रेन में कोई इश्यू नहीं है। ओके, तुमको एक अच्छा एनवायरमेंट नहीं मिला और इसके कारण तुम्हारा मैथ वीक है। ओके, हो सकता है किसी कारण बस। ओके, तो इसको तो इजीली सॉल्व किया जा सकता है। करेक्ट, इसको तो अपन इजीली सॉल्व कर सकते हैं किसी भी समय पर। अगर तुमको पता करना है कि तुम्हारा लॉजिकल फंक्शन सही से काम नहीं कर रहा है, मैथ से तुमको डर लग रहा है, तो एक अच्छा एनवायरमेंट, अच्छा टीचर ढूंढो, कोई एक टॉपिक लो और उसको समझ लो और पता चल जाएगा। अब लेट्स से कि तुमने एक अच्छा टीचर ढूंढा, ओके, और उसने बिल्कुल अपनी जान लगा दी तुमको पढ़ाने में और सब कुछ करने के बाद, ओके, फिर तुम बोलते हो कि अच्छा ये बताओ 4+4 8 क्यों होती है, ओके, 44 क्यों नहीं होती? करें, तो इसका मतलब है कि तुम्हारा जो दिमाग है वो इन चीजों के लिए बना नहीं है। ओके, तुम्हारा दिमाग क्रिएटिव चीजों के लिए, तुम तबला बजाओ आराम से, करें, तुमसे ना हो पाएगा। ओके, तो इसके लिए क्या है? और ये मैं किसी गलत सेंस में नहीं कह रहा हूं, ओके,
जरूरी नहीं है ना कि सब लोगों को मैथ अच्छा लगे। मैथ तो एक बेसिकली नीरस विषय है, क्या है, कुछ कुछ नहीं है, सिंबल्स टेक्स्ट इधर उधर करते रहती हैं। ओके, अगर सारे लोग ही मैथ करने लगे तो दुनिया बेकार हो जाएगी। कुछ लोग मैथ करें, कुछ लोग आर्टिस्टिक बने तो दुनिया मस्त रहेगी। ओके, तो इसका मतलब है कि इसका सिंपल मतलब ये है कि अगर तुम मैथ में डिफिकल्टी फेस कर रहे हो, ओके, इसका मतलब है कि तुम्हारा दिमाग, ओके, तुम्हारे जो न्यूरॉन के जो पाथ हैं वो उस तरीके से नहीं चलते हैं और उस तरीके से काम नहीं कर रहे हैं जो मैथ के लिए चाहिए। ओके, इसका सिंपल सा मतलब ये है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बेकार हो, तुम्हारी खोपड़ी खराब है, ऐसा मतलब नहीं है। इसका सिंपल मतलब है कि तुम्हारा जो सीधा सीधा ब्रेन है वो ज्यादा चल रहा है। ओके, तो तुम एक आर्टिस्टिक, तुम प्रतिभा है वो अपनी किसी दूसरे फील्ड में ढूंढो। ओके, हो सकता है लॉजिकल या मैथ में ना। ओके, तो धन्यवाद, होप इस वीडियो के थ्रू मैं समझा पाया हूं कि आखिर कुछ लोगों का मैथ क्यों डिफिकल्ट होता है। ये दो कारण होती हैं और सही कारण पता करने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर लो, तुमको पता चल जाएगा। ओके, तो धन्यवाद, बने रहिए मेरे साथ इस चैनल में। ओके, जानने के लिए अच्छी अच्छी बातें। धन्यवाद।